वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में जहां एडीजी जोन द्वारा सड़कों पर निकलकर पैदल गश्त किया जा रहा है और साथ ही अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी बड़ी कार्रवाइयां की जा रही हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन के आसपास की जगह हो, चाहे नुरला रोड हो और चाहे वो करैली की सड़कें हों, सभी जगह अतिक्रमण हटवाए जा रहे हैं। साथ ही ध्वस्तीकरण की बुलडोज़र द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है, चाहे वो सिविल लाइन की सड़कें हों, नो पार्किंग जोन को लेकर हर जगह कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। ऐसे में जब उनसे सवाल किया गया चौक की अतिक्रमण को लेकर, तो उनका कहना था कि चौक में अतिक्रमण के लिए निर्देशित किया गया और जाम की समस्या होती थी उसे भी दूर कराई गई है, और जो दुकानदार बाहर दुकानें लगाते थे अब वो भी अंदर धीमे धीमे कर रहे हैं और धीमे धीमे चौक क्षेत्र में पूरी तरह से व्यवस्था होगी और वहां पर अतिक्रमण पूरी तरह से हटवाया जा रहा है और पूरी कार्रवाई की जा रही। क्या कुछ कहना है उनका इस मामले पर, आइए सुनाते हैं। बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, इस पर किस तरह से कार्रवाई? अभी इनिशियली हमने सभी को बता रहे हैं, अभी कल धर्मगुरुओं की जो बैठक हुई उसमें भी सबसे अपील की, साथ ही हमने सबसे पहले कैंपेन वहीं से शुरू किया था। कोतवाली के सामने जो जाम लगता है, जाम मस्जिद के सामने, वहाँ हमने पूरा ये अभियान चलाया। जो लोग पहले सड़कों पर सामान रखते थे उन्होंने अब सामान अपना अंदर समेटना शुरू कर दिया। नूरुल्ला रोड पर काफ़ी जाम रहता था, बाहर लोग वहाँ पर डिस्प्ले में अपने कूलर और बाकी सामान लगाते थे, वो सब हटा लिए गए हैं और लोग अपनी सीमाओं में अंदर जा रहे हैं। समझाने बुझाने का असर देखने में आ रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में आज प्रयागराज पुलिस और नगर निगम और एडीए की टीम ने मिलकर संयुक्त अभियान चलाया है, जिसमें अवेयरनेस करते हुए लोगों को मल्टी लेवल पार्किंग में गाड़ियां पार्क करने के लेकर जागरूक करने के लिए ये कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसमें एडीजी जोन प्रयागराज ने सिविल लाइन क्षेत्र में लोगों को यातायात के प्रति जागरूक किया और पार्किंग की समस्या को देखते हुए उन्होंने मल्टी लेवल पार्किंग के चारों तरफ जायज़ा लिया, जहां उन्होंने सुभाष चौराहे के मल्टी लेवल पार्किंग के दोनों एंट्रेंस का चेकिंग की। साथ ही उन्होंने वहाँ पर मल्टी लेवल में पार्किंग करने आई गाड़ियों के लिए क्या सुविधा है और क्या समस्या है उसका जायज़ा भी लिया। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए यहाँ पर किस तरह से लोगों को सुविधा मिले और लोगों को दूर से ही समझ में आ जाए कि ये पार्किंग है, वो आसानी से यहाँ आकर गाड़ी पार्क कर सकें। अभी एक अवेयरनेस कैंपेन चलाई जा रही है कि कहीं भी एनक्रोचमेंट ना हो, जहाँ भी सरकारी सुविधाएँ हैं जैसे मल्टी लेवल पार्किंग यहाँ बना हुआ है उसका सदुपयोग किया जाए। किसी भी स्थान पर जो फुटपाथ हैं या जो कैरिज वेज हैं उन पर किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए लोगों को समझाया बुझाया जा रहा है। उसके बाद इन्फोर्समेंट की कार्रवाई की जाएगी, इसके बाद चालान की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ ये सिग्नल फ्री रोटरी है जहाँ हम सुभाष चौराहे पर खड़े हैं और यहाँ इस तरह की हम सुविधा देने जा रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को यहाँ अपनी गाड़ी पार्क करनी है तो आसानी से वो मल्टी लेवल पार्किंग पर ले जाए। वहाँ टॉयलेट, पेयजल, इस सब की सुविधा दी जा रही है और साथ ही जो रोड अप्रोच रोड्स हैं उनको भी डेवलप किया जा रहा है, तो इससे यहाँ पर सुभाष चौराहे के आसपास जो जाम लगता है उसकी हमें जो है आसानी हो जाएगी, वहाँ जाम नहीं लगेगा। सर, पुलिस के द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है, कई जगह से अतिक्रमण हटाए भी गए, मगर पुराने शहर का जो सबसे व्यस्त इलाका है चौक क्षेत्र, जहाँ मोहम्मद अली पार्क है, बजाजा पट्टी, इन जगह बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट है। संगम नगरी प्रयागराज के सुभाष चौराहे के पास लिबर्टी शोरूम में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग की सूचना फायर ब्रिगेड के कर्मी आग काबू पाने के लिए मौके पर पहुंचे, देखते ही देखते आग फैलने लगी। वहां मौजूद लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। मौके पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अभी तक अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका है कितने रुपए का नुकसान हो, लेकिन आग लगने से आसपास के दुकानदारों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। काफ़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने आग पर काबू पाया, तब जाकर आसपास के दुकानदारों को चैन आया। ये आग सुभाष चौराहे के लिबर्टी के शोरूम में लगी थी, जहां मौके पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। 10:30 पे आग लगने सूचना प्राप्त हुई कि सिविल लाइन्स में लिबर्टी शोरूम में आग लगी हुई है। सूचना के आधार पर हम तत्काल एक फायर टेंडर और कर्मचारियों को यहाँ पर भेजे और मौके पर भी तुरंत आए, देखे इनका सड़क खुलवाया गया तो उसमें जो है इनके मीटर बोर्ड में जो है धुआं निकल रहा था और पूरा उसको हम लोग निशमन करके भी आग को पूरे से बुझा दिए और पूरा इनकी दुकानों को चेक कर लिया और कहीं आग लगी नहीं हुई है, सब सुरक्षित है, बस मीटर बोर्ड में इनकी आग लगी हुई है, बुझा ली गई। तो सर आग लगने की वजह क्या है?
आग लगने का वजह यही है कि विद्युत का लोड जो है बढ़ गया है और टेम्परेचर ज़्यादा है इस समय जो है, कुछ फॉल्ट हो गई होगी इलेक्ट्रिक में, उसी से हुई है। मौके पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, जिसके बाद लोगों ने चैन की सांस ली। संगम नगरी प्रयागराज के नज़ारा है चौक क्षेत्र का, जहां लगातार अभियान चलाकर सड़क से अतिक्रमण हटवाया जा रहा है, चाहे वो नुडला रोड की सड़कें हो या फिर स्टेशन की या फिर करैली क्षेत्र की, मगर यहां पर से अतिक्रमण हटाने में प्रशासन नाकाम होता है और अक्सर यहां इसी तरह से एक दिन अभियान चलाया जाता है, उसके बावजूद इसके इसी तरह से यहाँ पर अतिक्रमण किया जाता है। ये नज़ारा है चौक क्षेत्र के बजाजा पट्टी का, जहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण किया गया है, दुकानें बढ़ाकर लगाई गई हैं, चाहे वो लोकनाथ पर पंसारियों की दुकान हो या फिर रेडीमेड कपड़ों की दुकान हो या फिर क्रॉकरी की, यहाँ सब ने बढ़ाकर सड़क तक अपनी दुकानें लगा रखी हैं और कोतवाली पुलिस इस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं करती और ना ही इनको हटवाने में अब असफल दिखाई देती है। और कोतवाली पुलिस की लापरवाही के कारण यहाँ सड़कों पर किया गया अतिक्रमण, यहाँ से लोगों का निकलना भी होता है मुश्किल, यहाँ से आने जाने वाले लोग होते परेशान। संगम नगरी प्रयागराज, जहाँ नुडला रोड व करैली बैरियर के पास आज नगर निगम ने की बड़ी कार्रवाई, जहाँ नगर निगम के बुलडोज़र ने फोर्स के साथ करैली बैरियर पहुँचा और जहाँ पर अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए टीन के शेड व बोर्डों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की, वहीं नगर निगम द्वारा सड़कों पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। बता दें ये अभियान करैली नुडला रोड व बैरियर के आसपास चलाया गया। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दृष्टिगत मंडल आयुक्त संजय गोयल एवं एडीजी जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश की अध्यक्षता में विभिन्न धर्मों के धर्म गुरुओं के साथ आज मंडल आयुक्त कार्यालय स्थित गांधी सभा भवन में बैठक की गई तथा सभी से आपसी प्रेम सौहार्द एवं भाईचारा बनाए रखने में सहयोग करने तथा अफवाहों से बचने की अपील की गई। एडीजी जोन प्रेम प्रकाश ने सभी धर्मों का उद्देश्य लोक कल्याण बताते हुए कहा कि धर्म गुरुओं द्वारा जो संदेश दिया जाता है उसका समाज का व्यापक प्रभाव पड़ता है, अतः सभी धर्म गुरुओं से अपने अपने अनुयायियों की हर परिस्थिति में सामंजस्य बनाए रखने को प्रेरित करना चाहिए। आईजी जोन राकेश सिंह ने भी आपसी भाईचारा प्रेम के सौहार्द बनाए रखने के सभी धर्मों के धर्म गुरुओं से सहयोग करने की अपील की, तो वहीं बैठक में उपस्थित सभी धर्म गुरुओं ने आपसी भाईचारा एवं प्रेम बनाए रखने के संबंध में अपने अपने विचार भी व्यक्त किए तथा सामंजस्य बनाए रखने में संपूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन भी दिया। इस अवसर पर विभिन्न धर्मों के धर्म गुरुओं के अलावा अन्य बैठक में मंडल आयुक्त व एडीजी जोन व आईजी रेंज व जिलाधिकारी प्रयागराज व एसएसपी प्रयागराज संघ संबंधित अधिकारीगण भी मौजूद रहे। पिछली बिल्कुल भी मीटिंग होती नहीं, उसमें ज्यादातर मैंने देखा कि वो एक साथ बात ही सब ठीक है, सब ठीक है। एसपी प्रयागराज ने जहां बीते दिनों कोतवाली निरीक्षक को किया था निलंबित, अब एसएसपी प्रयागराज ने कोतवाली थाने की कमान निरीक्षक अमर सिंह रघुवंशी को दी है। बता दें कोतवाली थाना प्रभारी अमर सिंह रघुवंशी बनाए गए हैं एसएसपी प्रयागराज के द्वारा। अब अमर सिंह रघुवंशी को पुलिस लाइन से कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक बनाया है। बेहतर पुलिसिंग कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए उठाए गए कदम तत्काल प्रभाव से किया स्थानांतरित। प्रयागराज में आज जिला न्यायालय के अधिवक्ता हड़ताल पर है। कारण बीते दिनों प्रमुख विशेष सचिव प्रफुल्ल कमल के द्वारा पत्र लिखा गया था, जिसमें अराजक तत्व के शब्द इस्तेमाल करने से वकील नाराज थे और उन्होंने बीते दिनों जिला अधिकारी के कार्यालय के बाहर पत्र जलाकर विरोध किया था और माफ़ी मांगने की बात की थी, जिसके बाद माफ़ी ना मांगने और अपने शब्दों को वापस ना लेने से नाराज़ वकीलों ने आज इस हड़ताल पर हैं और पूरी तरह से कचहरी में कार्य ठप है। ऐसे में उनका कहना था कि सरकार के विशेष सचिव माफ़ी मांगें और या तो अपने शब्दों को वापस लें, नहीं तो वकील इसी तरह से हड़ताल पर रहेगा। क्या कुछ कहना था बार एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष का, आइए सुनाते हैं आपको। जिस प्रकार के प्रदेश के एक आला अधिकारी प्रफुल्ल कुमार प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रदेश के अधिवक्ताओं के खिलाफ उन्होंने अभद्र भाषा और क्या कहते हैं
टिप्पणी की है उसको लेकर के हम अधिवक्ताओं के पूरे प्रदेश में जो है काफ़ी आक्रोश है। उसी संबंध में आज दिनांक 20/2022 को जो है हम लोगों ने जिला न्यायालय प्रयागराज इलाहाबाद में हम लोगों ने स्ट्राइक की हुई है। पूरा जिला न्यायालय बंद है और उन्होंने अपनी इस अमर्यादित भाषा का अगर उन्होंने जो है उसको जो है वापस नहीं लिया और क्षमा नहीं मांगी अधिवक्ता समाज से तो ये आंदोलन काफ़ी बृहद होगा और लोग हम लोग सारा अधिवक्ता समाज सड़क पर उतर कर इसका पुरजोर विरोध करेगा। परिचय अरुण प्रताप सिंह सोनू, कोषाध्यक्ष, जिला उत्तर संघ प्रयागराज। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।